हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? सब ठीक ठाक? तो हम लोग इस वीडियो सेशन में सीखेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। प्रीवियस वीडियो सेशन में जैसा कि आपने सीखा है, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो आइए पहले सीखते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज व्हाट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर फेज, दैट मीन्स द वेपर प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड बिकम्स इक्वल, दैट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गया कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड दोनों सेम है। अब देखो कंडीशन, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन दिस सॉल्वेंट दैट इज द लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर गेट लोअर। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया कि जैसे ही हम लोग किसी सॉल्वेंट को डिजॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो जब वेपर प्रेशर कम होगा तो फिर क्या होगा, सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन गेट डिक्रीज्ड। तो यह भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द difference between the freezing point of liquid that the solvent and the freezing point of solution is called depression in freezing point। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हम लोग कंसिडर करें टी नॉट, रेदर इसको हम लोग बोलते हैं टी एफ, फ्रीजिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट। और फिर हम लोग ले लेते हैं टी एफ डैश, तो ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ कंडीशन हो गया कि ये प्योर सॉल्वेंट का हो गया। तो अब यहाँ से आता है डेल्टा टी एफ, तो ये क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो डिप्रेशन जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट का किसी भी सॉल्यूशन के, वो जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि ये अब सॉल्यूशन से रिलेटेड होता है। तो हम लोग देखते हैं इस लॉ को और इसको कोरिलेट करते हैं। पहले आप इसको नोट करिए, द टेम्परेचर दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ और फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज TF एंड TF डैश फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सो डेल्टा TF, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज TF माइनस TF dash, that means the temperature of the solution after dissolving the non-volatile solute get lowered। तो यहाँ actually हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग dissolve कर रहे हैं किसी non-volatile solute को solvent में, और जैसे ही solvent में हम लोग dissolve कर रहे हैं तो condition क्या हो रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर है इनका, फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर, वो डिक्रीज़ हो रहा है। और फ्रीजिंग पॉइंट जब डिक्रीज़ हो रहा है तो नेट डिप्रेशन जो आएगा वो आएगा एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर लिक्विड माइनस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन, व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन इट। ओके, तो दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to the molality of the solution। यानी कि अब यहाँ पर जो relation होता है वो relation होता है कि जो depression हो रहा है freezing point का, वो directly proportional है molality के। That means depression in freezing point is directly proportional to the molality of the solution। तो यहाँ पे जो solution का molality है उसके directly proportional है। तो यहाँ से आता है delta TF is KF into molality, where KF is the constant, KF is what, it is constant known as molal depression constant or cryoscopic constant। So this is also known as what, cryoscopic constant। So when the m, that is molality of the solution, is 1, then kf equals to delta tf। So from this equation the unit of kf, यानी हम लोग यहाँ से kf की unit find कर सकते हैं, और ये ठीक वैसे ही होगा जैसे हमें मिला था kb का unit। तो यहाँ भी क्या होगा, ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, तो यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन, एसआई यूनिट केल्विन, और डिपेंड कर रहा है मोलालिटी पे, तो मोलालिटी का यूनिट इन्वर्स हो जाएगा, दैट मींस केजी पर मोल। तो इस तरह से ये इसका यूनिट हो जाता है। हम लोग अगर देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम लोग जब कोरिलेट कर रहे हैं तो किसके साथ, वेपर प्रेशर के साथ। तो देखिए जब प्योर सॉल्वेंट है तो इसका वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर TF पे वो हायर है, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं,
इसमें सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो फिर इसका जो फ्रिजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि अब इसका जो वेपर प्रेशर है कॉरस्पॉन्डिंगली वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो पहले वेपर प्रेशर यहाँ था, अब वेपर प्रेशर यहाँ आ गया, यानी कि इसका टेम्परेचर जो है पहले से कम हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट। तो ये हो जाता है हमारा डिप्रेशन। अब इस पर जो कुछ और टर्म्स हैं और कुछ बातें हैं, जैसे केएफ जो है, केएफ इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट से, ठीक है। केएफ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो केएफ जो है सॉल्यूट की नेचर से इंडिपेंडेंट होता है, और ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, यानी कि आप कौन सा किसी भी सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे केएफ के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन केएफ जो है ये क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ किस पे, तो सॉल्वेंट पे। तो यहाँ से हम लोग आते हैं, तो देखते हैं हमारा रिलेशन क्या देता है। केएफ इक्वल्स टू आर द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड स्क्वायर अपॉन द 1000 इनटू LF, that is latent heat of fusion। तो यहाँ से यह रिलेशन दे देता है, R गैस कांस्टेंट, then T is what, TF freezing point of the liquid, and LF the latent heat of fusion। तो ये हमारा रिलेशन दे देता है किसके लिए, केएफ के लिए। यहाँ से हम लोग बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, डेल्टा एच एफ दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से रिलेशन। तो यहाँ पे डेल्टा एफ ये क्या जाता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो हम लोग इससे कोरिलेट करें तो देखो रिलेशन क्या होता है, एल एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा एच एफ अपॉन मोलर मास ऑफ द लिक्विड। तो इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, केएफ इक्वल्स टू व्हाट, मोलर मास ऑफ द लिक्विड इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इनटू टीएफ स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू डेल्टा एचएफ द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब देखो यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर से डिवाइड कर दे तो ये क्या देगा, केएफ इक्वल्स टू एमएल इनटू आर इनटू टीएफ अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एस एफ, वेयर द डेल्टा एस एफ इज रिलेटेड विथ डेल्टा एच एफ अपॉन टी एफ। दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ द फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंट्रोपी ऑफ द फ्यूजन। तो यहाँ से हम लोग इन सारे रिलेशंस को एक साथ कोरिलेट कर सकते हैं, और ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे केएफ का वैल्यू जो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से फाइंड कर सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन से फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू होगा हम लोग उससे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग इन इक्वेशंस में ये देख रहे हैं कि एलएफ या फिर डेल्टा एच या डेल्टा एस जो है ये
क्या होता है, लिक्विड डिपेंडेंट होता है, यानी कि नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, और इस तरह से हमारा केएफ भी क्या होगा, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करेगा। साथ साथ आप देख सकते हैं मोलर मास ऑफ द लिक्विड, यानी पर्टिकुलर लिक्विड का ही मोलर मास हम लोगों को यूज़ करना है जो हमारा सॉल्वेंट होगा। तो इस तरह से ये हो जाता है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। ओके, तो आप इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग समझे व्हाट इज ऑस्मोसिस। जब हम लोग ऑस्मोसिस समझेंगे तो हमें आसानी होगा ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने में। ओके, तो आइए देखते हैं पहले ऑस्मोसिस। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from dilute solution to concentrated solution through a semi permeable membrane is called osmosis। तो यहाँ पे समझिए एक्चुअली हुआ क्या कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम लोगों ने रख दिया, इसके अक्रॉस दो तरह के सॉल्यूशंस रखे हुए हैं। एक सॉल्यूशन जो है जिसमें डाइल्यूट है यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम है, दूसरा जो है जो क्या है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसमें अमाउंट और कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूट का ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उस डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो फ्लो होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके, सो द ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस और द फेनोमेना इन विच लिक्विड और द सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, फ्लो होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले हम लोग प्रेशर लगाएंगे, फिर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, फिर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो एक ऑप्टिमम वैल्यू आएगी प्रेशर की जहाँ पे क्या होगा ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। दैट प्रेशर इज नोन एज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट मीन्स द ऑप्टिमम प्रेशर एट विच द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस गेट स्टॉप्ड इज कॉल्ड व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ये हमारा सिस्टम है जो दो सॉल्यूशन है, इन दोनों सॉल्यूशन को सेपरेट किया गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ओके, इस सॉल्यूशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एक प्रेशर ऐसा मिलेगा जिस प्रेशर पे क्या होगा द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस गेट स्टॉप, यानी कि ऐसा प्रेशर जिस पे क्या हो जाए जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो रुक जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, द ऑप्टिमम एक्सटर्नल प्रेशर विच स्टॉप द प्रोसेस ऑफ
प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो यहाँ पे अब करना कुछ नहीं है, थोड़ा प्रेशर और इंक्रीज कर देना है। तो जब इससे ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स नाउ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन। दैट प्रेशर और प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि हमने क्या किया, पहले प्रेशर लगाया, ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया, यानी कि सॉल्वेंट का फ्लो जो है सॉल्यूट की तरफ, सॉरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ रुक गया। यानी कि यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो फ्लो हो रहा था किसका, सॉल्वेंट का, तो वो प्रोसेस हमारा ऑस्मोसिस था। हम लोगों ने क्या किया, इस पे प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाने से क्या हुआ कि एक ऐसा ऑप्टिमम प्रेशर मिला जिस पे क्या हो गया, फेनोमेना या फिर प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रुक गया, यानी कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो रुक गया। अब हम लोगों ने प्रेशर को और इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज कर दिया, तो अब एक ऐसा प्रेशर आ जाएगा जिस पे क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। आप लोग नाम सुने होंगे आरओ प्लांट या आरओ, जिसमें क्या किया जाता है, वाटर को प्योरीफाई किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो वहाँ यही फिनोमेना होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कराते हैं, यानी कि प्रेशर बढ़ा देते हैं, जिससे फिर क्या हो जाता है कि जो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वहाँ से फ्लो ऑफ लिक्विड और सॉल्वेंट जो है वो होने लगता है एक हायर और डाइल्यूट सॉल्यूशन में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसको डिनोट किया जाता है लेटर पाई से। और याद रखिए कि ये क्या होता है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर तो है, साथ साथ ये जो है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। तो ये लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। साथ साथ पाई जो है ये इक्वल होता है रो इंटू जी इंटू एच। दैट मीन्स रो जी एच द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी द ग्रेविटेशनल पुल फोर्स एंड एच द हाइट ऑफ द कॉलम। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि लिक्विड का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो सकता है। ओके, अब आते हैं हम लोग लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, जो हमारा रिलेटेड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ओके, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के। हियर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज द प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ गिवन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया कि कंसंट्रेशन जो है हम लोगों ने क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अब क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ऑन कंबाइनिंग these two we get pi directly proportional to c and directly proportional to t, so it is pi proportional to c into t. This implies that osmotic pressure equals to
सी आर इंटू टी, वेयर आर इज गैस कॉन्स्टेंट. आर इज वट? इट इज गैस कॉन्स्टेंट. एंड सो द वैल्यू ऑफ आर इज एज द वैल्यू ऑफ गैस कॉन्स्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. सी द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टी द टेम्परेचर. इफ वी कैन राइट सी इक्वल्स टू एन अपॉन वी, अगर हम लोग यहाँ पे सी इक्वल्स टू एन बाई वी ले लें तो हमारा इक्वेशन जो है ये हो जाएगा पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी इंटू आर इंटू टी. दिस इम्प्लाइज दैट पाई इंटू वी एन आर टी. इट इज सिमिलर टू द गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी. तो यहाँ पे ये हमारा रिलेशन हो जाता है इन दोनों के बीच. अब देखो यहाँ से जो सॉल्यूशन है उनके कंसंट्रेशंस और कंसंट्रेशंस अगर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो हम लोग आसानी से ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, अब आते हैं हम लोग एक दूसरा कंडीशन सॉल्यूशन में ही, और वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कहता है कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है एक गिवन कंसंट्रेशन एक गिवन टेम्परेचर पे, तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है. दैट मींस इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू सॉल्यूशन आर इक्वल एट अ गिवन टेम्परेचर दे आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो यहाँ से ये हमारा रिलेशन हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, जहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं जिनके क्या हो गए, टेम्परेचर हम लोगों ने सिस्टम का कांस्टेंट रख दिया है, तो अगर उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे. ओके, तो इसको नोट कीजिए. तो हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इफ पाई वन इक्वल्स टू पाई टू, दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेकेंड, देन दे आर वट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इट इज वट? इट इज प्राइमरी कंडीशन. बट सेकेंडरी कंडीशन इज ऑल्सो वैलिड इफ कंसंट्रेशन ऑफ सी वन इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी टू, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड, देन इट इज नोन एज वट, सेकेंडरी कंडीशन. बट द सेकेंडरी कंडीशन इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन. इट इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन. रीजन इज दैट इफ देयर इज एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक्स प्लेस देन द कंसंट्रेशंस आर डिफरेंट, बट द प्राइमरी कंडीशन दैट मीन्स द नेसेसरी कंडीशन वेयर द ऑस्मोटिक प्रेशर मे बी इक्वल. जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल द ग्लूकोज एंड यूरिया सॉल्यूशन हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन इक्वल्स टू पाई टू
देन दे आर आइसोटोनिक सो कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड इज ऑल्सो पॉसिबल बट इन द सेकेंड केस एग्जाम्पल टू द आइसोटोनिक सोल्यूशन ऑफ यूरिया एंड NaCl have same osmotic pressures but their concentrations are not equal because the NaCl undergoes dissociation while the urea do not undergoes association or dissociation. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास दो solution है glucose और urea. ग्लूकोज और यूरिया जो है एसोसिएशन और डिसोसिएशन में नहीं जाते हैं इसलिए इनके जो ऑस्मोटिक प्रेशर होंगे वो भी इक्वल होंगे और इनके क्या होंगे कंसंट्रेशंस भी इक्वल होंगे सॉल्यूशंस के जब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे ओके लेकिन जब हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन लेंगे यूरिया और NaCl या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन में जाता है या फिर किसी ऐसे मॉलिक्यूल का जो क्या होता है एसोसिएशन में जाता है पॉलीमराइज होता है डाइमर का फॉर्मेशन करता है तो उस केस में क्या होगा कि उनके कंसंट्रेशंस इक्वल नहीं होंगे लेकिन उनके प्रेशर जो होंगे यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स वो आपस में इक्वल होंगे तो ये हमारा प्राइमरी कंडीशन है कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा तो फिर क्या होंगे वो आइसोटोनिक होंगे वैसे सारे सॉल्यूशंस जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन में जाते हैं यानी कि जिनका पॉलीमर या डाइमर बनता है यानी एसोसिएशन या फिर जो डिसोसिएट होते हैं करस्पॉन्डिंग आयंस में इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में तो उन सभी केसेस में उनके कंसंट्रेशंस इक्वल नहीं होंगे लेकिन ये प्राइमरी कंडीशन है उनके क्या होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर्स इक्वल होंगे जब वो आइसोटोनिक होंगे ठीक है तो आप इसको नोट कर लीजिए इस सेशन में इतना ही थैंक यू